मीठा मध्यरे पाळुओ लड्डू हेउछि स्वतंत्र आउ नियारा। भद्रक जिल्ला पाळुओ लड्डू पई बेस प्रसिद्ध। एहार प्रस्तुति शैली बेस भिन्न। स्वाद और शरीर पई हितकर दृष्टिरु पाळुओ लड्डूर चाहिदा दिनकु दिन बढ़िबार लागिछि। एभळी कृषिजात द्रव्यकु व्यवसाय रूपे ग्रहण करि स्वावलंबी होई परिछन्ति युवपीढ़ी। एई जेमिति भद्रक जिला सदर ब्लॉक संतिया गांव सूर्य नारायण साहू जेजे बापांको अमलरु रहिथिबा पाळुओ लड्डू दुकान को संभाली निजे आत्मनिर्भर हेबा सहित अन्य को रोजगार देइछन्ति। युक्त तीन पास करिबा परे पारिवारिक व्यवसाय को संभाली सूर्य नारायण पाळुओ लड्डू प्रस्तुत करि दुकान रे बिक्री करुछन्ति। स्वतंत्र स्वाद और उन्नत गुणवत्ता पई सूर्य नारायण को दुकान खाउटींकर भारी पसंद। आज नुहे दीर्घ 80 वर्ष धरी एही दुकान ग्राहकों को उन्नत मानर पाळुओ लड्डू जोगाई आसुछि। जो पाळुओ लड्डू आमर प्रस्तुति होइछि एटा बहुत पुराना। मो जेज एटा प्रस्तुत करथुले विगत 80 वर्ष हलानी आमर एटा वृत्ति। मो जेजे परे मो बापा तापरे आमे ये कौलिक वृत्ति को आपने नीचु। आमे चारि भाई जाको आमे ग्रेजुएशन कंप्लीट करिचु। चाकरी पछरे नगड़े की आमे ये व्यवसाय को आपनेलु। एहर प्रस्तुति प्रणाली बेस नियारा। प्रथमे पाळुओ को पानी रे किछि समय भिजेबा परे ताकु छाणी बाटी दिया जाए। परे चीनी सिरा प्रस्तुत करी रखा जाए। एहा परे गोटिए पात्र रे मैदा सुजी पानमधुरी जुआणी गुंड अदा छेचा और पाळुओ गोटा काजू किसमिस आवश्यक मुताबक लुण और अल्प तेल पकाई भल भाव चकटी दिया जाए। यही पाळुओ लड्डूर प्रस्तुति पई आमे सुजी मैदा पाळुओ छेना गुआ घी खुआ मधुरी गुजराती आदि मिश्रण रे पाळुओ लड्डू तैयारी करू। चकोटा को गोल गोल करी गुला प्रस्तुत करी तेल बा घी रे छणा जाय था। छणा जीवा परे सेगुडी को चीनी सिरा रे किछि समय भिजाई रखी कढ़ा जाय था। घी और तेल रे छणा लड्डूर अलगा अलगा दाम रहिछ। सूर्य नारायण को दुकान रे तेल रे छणा लड्डू केजी प्रति 270 टंका रे बिक्री होथिबा बेले घी रे छणा लड्डूर दाम रहिछ 460 टंका। प्रति केजी रु से 40 रु 50 टंका लाभ करुछंती। एही पाळुओ लड्डू हमरो दुई प्रकार प्रस्तुत होइथाय। गोटे होइथाय रिफाइन तेल रु आ गोटे होइथाय घी रु। जोटा कि रिफाइन तेल रु प्रस्तुत होइथाय सेटार मूल्य 270 टंका रहिछ। जोटा घी रु प्रस्तुत होउछि सेटार मूल्य 470 टंका रहिछ। भद्रक्रे दोकानरे लड्डू बिकिबा सहित से राज्यर विभिन्न उत्सवरे पाळुओ लड्डू स्टॉल करी बेस लाभवान हेउछंती। भुवनेश्वररे स्टॉल खोली से पुरस्कृत मध्य होइछंती। एही पाळुओ लड्डू को आग्रह सहकार नवा पई देश विदेश रु मध्य बहुत लोक आसुछंती। जो माने कि भद्रक बाहरे रहिछंती माने आउट ऑफ इंडिया जो बाहर कंट्री रहिछंती सेमाने भी आसिला भद्रक आसिले गला बेले भी पाळुओ लड्डू सांगर नहीं था। यही पाळुओ लड्डू पई 1998 रे ग्रामश्री मेला रे प्रदर्शनी पड़िया भुवनेश्वर रे ग्रामश्री मेला तरफ रु आमको निमंत्रण करैथिला एवं सेठारे मध्य आमे पुरस्कृत होइतिलु। एथिरु एबे वार्षिक 2.5 लाख रु अधिक टंका रोजगार करि पारुछंती सूर्य नारायण। यही पाळुओ लड्डू व्यवसाय रु वार्षिक आय आमर 2 लाख रु 2,50,000 टंका पर्यंत आमे रोजगार करुछु लाभ करुछु जोटा कि आमे एवं आमर परिवार खुशी रे अतिवाहित करुछु। आम ओडिसा रे प्रचुर पाळुओ चाष करा जाय। विशेष करी राज्यर दक्षिणांचल रे पाळुओ चाष करा जाय था। उभय खाद्य और स्वास्थ्य पई एहा खूब उपयोगी। आयुर्वेद रे पाळुओर महत्व अधिक। पेटर सुस्थता पई पाळुओ अति दरकारी खाद्य।
ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଳୁଅ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କମାଏ। ଏଣୁ ପାଳୁଅର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାଳୁଅ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଦରତା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି।